press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum, welcome to my channel technically मैं चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अपने किसी भी iPhone डिवाइस में ऑटो करेक्शन को टर्न ऑफ कैसे करें। अगर आप नॉर्मली iPhone के डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड से कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वर्ड टाइप करने के बाद जैसा ही आप स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो वह जो वर्ड है वो ऑटो करेक्ट यानी कि चेंज हो जाता है। अगर आपके iPhone में भी आपको इसी तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तो उस सेटिंग को टर्न ऑफ करने के लिए आपको नीचे की तरफ इस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। और दोस्तों अब यहाँ ऊपर की तरफ कीबोर्ड सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको कीबोर्ड सेटिंग्स मिल जाती है। अगर आपको ये सेटिंग्स देखने के लिए नहीं मिलती है तब आपको आईफोन की मेन सेटिंग्स पर जाना है और नीचे की तरफ जनरल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसा कि स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ऑटो करेक्शन का जो ऑप्शन है वो इनेबल किया हुआ है तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। और दोस्तों इस ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद अगर आप आईफोन के डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड से कोई भी वर्ड टाइप करके स्पेस बटन को प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट ऑटो करेक्ट यानी कि चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह आप भी अपने आईफोन डिवाइस में ऑटो करेक्शन को ईजीली डिसेबल कर सकते हैं।